रांझा साहब, यहाँ पे आग लगी दहशतगर्दी की, इमरान खान साहब को अगर आप साथ लेके नहीं चलेंगे तो ऑपरेशन जितने भी आप कर लें उसका आपको फायदा नहीं। आप जो है पता नहीं कौन से केसेस लेके इमरान खान के ऊपर चढ़े हुए, कभी टैरियन वाइट का केस, कभी पता नहीं तोशा खाना का केस। मेरे भाई, ये इस इमरान खान को कन्विंस करें, वो आपसे ऑन बोर्ड होंगे तो पॉपुलर लीडर पॉपुलर आपको मिलेगा ना, अगर आपने ऑपरेशन करना भी ये टेररिज्म को लेकर। देखिए, बात यह है कि जो हमारी सियासत है वो तो हम अपनी जगह पे रखेंगे और वो चलती भी रहेगी। उसको मेरा ख्याल से जहाँ पे कौमी इशूज हैं, कौमी सलामती का मामला है, वहाँ पर तो यकीनी तौर पे हमें बट यू नीड टू टॉक टू इमरान खान ना। यस वी डिड इन द पास्ट, हमने किया था। अब की बात हो रही है, हम तो अभी भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इमरान खान तो वही इमरान खान जो है ना, ये तो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलासों में नहीं अपोजिशन के साथ बैठता था जब ये खुद वजीर आजम थे। इमरान खान कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास थे, कौमी सलामती कमेटी के इजलास थे उनमें भी नहीं बैठते। जब आपको पता होगा जब वो जब कश्मीर का इशू था, जब पाक इंडिया जो एक हालात बड़ी कशीदगी का शिकार हुए, उसके बाद फिर ये टेररिज्म रिलेटेड, आपको लगता है अब भी नहीं बैठेंगे आपके साथ? वो तो भाई वो ना बैठे, लेकिन उनसे कंसेंट तो लेना कि आपको अगर कोई आप फैसला करके देखे। पार्लियामेंट में आने को फारिग कर दिया, इस्तीफे होंगे मंजूर करा के, हालांकि वापिस आ रहे थे वो। अब पार्लियामेंट में भी वो डिबेट नहीं कर सकते, तो किस तरह आपको उनकी विल पास चलेगी कि वो मेजोरिटी होल्ड कर रहे हैं पॉपुलरिटी वाइज? देखिए, बात तो सीधी सी है ये कि अगर उन्होंने अभी जिस हालात में मुल्क को डाला है, हम उनको फिर भी ऑन बोर्ड लेंगे, हम उनको ले लेंगे। लेकिन इफ्तिखार साहब का पॉइंट नजर है, वो कह रहे हैं 4.5 साल में ब्लास्ट नहीं हुए, साढ़े चार साल में ब्लास्ट नहीं हुए, तो 4.5 साल में इन्होंने जो वहाँ पे जो काम किया, इन्होंने जो वायदे किए, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। आपने कितने लोगों को पाकिस्तान के बीच में दाखिल करवाया, आपने उनको सेटल करवाया, आपने उनको शनाख्ती कार्ड तक बनवा के दिए। क्या एग्रीमेंट है, क्या कंडीशंस थी? आपने जो कुछ भी किया, आपने एक कमरे में बैठ के जुबानी कलामी किया, आज ये सारे उसके नतायज निकल रहे हैं। और जब भी वफाक ने इनसे पूछा, जब हमारी 3-4 महीने में गवर्नमेंट आई वफाक में, हमने इनसे पूछा तो इन्होंने हमें खुद लिख के भेजा कि ये आपका मामला नहीं है। और ये जो बात कर रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट के दौरान ही, इनकी गवर्नमेंट के दौरान ही वहाँ पर KPK के हालात बदल चुके थे। KPK में, सवात में, आगे पीछे ये लोग आ चुके थे और ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। ये आज की तो बात नहीं, ये तो आज से 4-5-6 महीने से वहाँ पे इफेक्टिव हुए हैं और इनकी गवर्नमेंट का तो नहीं, लेकिन एग्रीमेंट्स का ये फायदा था बकौल इफ्तिखार साहब के ब्लास्ट नहीं हो रहे थे इस मुल्क में। देखिए, क्या ब्लास्ट नहीं हो रहे थे, अब इसका मतलब है कि आप ब्लास्ट करवा रहे हैं? अगर मैं इस तरीके से नहीं, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना कि क्यों, अगर आपके पास क्या ऐसी चीज़ है कि आप पाकिस्तान में मासूम शहरी या हमारे मासूम स्पाई या हमारे पुलिस वाले अगर शहीद हो रहे हैं, क्या ऐसा हो गया इस मुल्क में कि ब्लास्ट होना शुरू हो गए? आपका क्या नुकसान हुआ है या तालिबान के खिलाफ क्या कदम उठाया गया है इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से जिसकी वजह से ब्लास्ट शुरू हो गए? आने हाल में क्यों हो गए शुरू? ब्लास्ट इसलिए शुरू हो रहे हैं कि हमने ये कहा कि रियासत के बीच में रियासत नहीं हो सकती, एक वाजिया बात होगी। जो मेरे ख्याल से अभी बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। और ये महसूस हो गया लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने एक स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई थी इन लोगों ने, और इन लोगों को इवन यहाँ तक हो गया था कि वहाँ पर बैठे हुए जो लोग थे, ये तहरीक इंसाफ ने, इन्होंने वहाँ पर तो उनको इस हद तक भी इजाज़त दी हुई थी कि वहाँ पर डिपार्टमेंट्स के जो अफसरान थे उसमें एक डिपार्टमेंट ये था कि ठेकेदारों तक से वहाँ पे वो जो पैसे जा रहे थे वो ठेकेदार तक उनको पैसे दे। सवाल तो फिर एस्टैब्लिशमेंट से भी उठेगा, क्योंकि वहाँ पे जो कोर कमांडर थे पेशावर के, तो वो क्या कर रहे थे उस वक्त? फिर बिल्कुल ये कैसे हो सकता है कि इस तरह की वायलेशंस हो रही हो? पढ़े लिखे बंदे बुलाया करें यार, कि जो समझो इशू यार, कमरान भाई ये बंदे पढ़े लिखे आदमी यार, गुफ्तगू आपसे उनसे करवा लेते हैं यार, अजीब बात करते हैं यार। भाई आप क्या बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे एक्चुअली लोगों राजा साहब हैं, आप के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। खार साहब, आप मेरे ख्याल से आप लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। खार साहब, आपकी तालीमी काबिलियत से ज्यादा मेरे लोगों के और आप मेरे ख्याल से आर्गुमेंट का जवाब दें। अगर आप तो असेंबली में आज आपको तो मैंने असेंबली में कभी देखा नहीं है, आपको तो मैंने BD का मेंबर नहीं देखा। आप मुझे बता रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं, आपकी हैसियत ही नहीं है क्या? आप है असेंबली में, आपकी जैसे ना है लोगों को असेंबली में क्यों लेके जाया जाए? पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के मेरे यार आपस में लड़े राय साहब, आप इग्नोर कर दे रहे हैं। मैंने इनको इनकी काबिलियत सिर्फ बताई। क्या बात कर रहे हैं सर, हमें पता है आप काबिल हैं, काबिलियत बताइए कि मेरी काबिलियत आप छोड़ दें। इफ्तिखार भाई आप अपनी असलियत दिखा रहे हैं, मैं आपको असलियत दिखा रहा हूं। असलियत लोग देख रहे हैं, आपकी असलियत क्या है? आपकी असलियत यह है कि मुझे जो देने दो, आपकी असलियत यह है कि आपके वज़ीर-ए-आज़म ने कहा शुक्र है देखिए पाकिस्तान लोगों ने देख लिया, आपने तालिबान की मिसाल पेश की कि देखिए उन्होंने आजादी हासिल की है, इनके लीडर ने की ना, माइंडसेट देख लें। हाँ जी, अगर इनका लीडर ये बातें कर रहा है जहाँ पे आप नेटो से बड़े हैं, और भाई आप नेटो से बड़े हैं, मुझे बताएं फिर आप नेटो से बड़े हैं, फिर आपका फोन क्यों नहीं उठाता था? उन्होंने पीस टॉक किए दो में, आप राणा सरावला को बात करने के लिए बंद कर दी थी। मुझे एक बात बताएं, एक मिनट मोहसिन भाई, एक मिनट इफ्तिखार भाई, ऐसा इन्होंने क्या कह दिया कि आपने इनकी काबिलियत चैलेंज कर दी? आर्गुमेंट का जवाब आर्गुमेंट से दे रहा है इफ्तिखार भाई, क्या हो गया यार, क्या ऐसा क्या कहा है? इफ्तिखार साहब की बात सुनवाए मुझे, गलत बात कर रहे हैं। इफ्तिखार दुरानी के अलावा और कोई पढ़ा लिखा नहीं है इस मुल्क में, वो ये कहना। अच्छा मुर्ज़ा साहब, एक बात
पढ़े लिखे किस तरह आप कहते हैं लॉयर यार, इज अ बैरिस्टर, क्या हो गया आपको सर? आप वैसे कह के इनका आर्गुमेंट फजूल है, इनका आर्गुमेंट दलील नहीं है। इनकी जो तरबियत है उसमें जो गाली दे वो पढ़ा लिखा है, ये आपके सामने वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं स्टेट विद इन द स्टेट। तो हाँ ना सर, मुझे बताया सर, आप जवाब दे रहे अपने। अच्छा एक मिनट, अब आप दोनों रुक जाए।